Hey, what's up guys, welcome back to a new video. तो आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग बोट की तरफ से आने वाले लेटेस्ट नेक बैंड के, जिसका नाम है बोट रॉकर्स 255 टच। ये जो नेक बैंड है काफी स्पेशल है, दूसरे नेक बैंड से काफी डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस नेक बैंड के अंदर आपको टच कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि काफी डिफरेंट बना देता है इस नेक बैंड को दूसरे नेक बैंड से। इस वीडियो में आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे हमें इसमें क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, एंड इस वीडियो में इस नेक बैंड का एक गिव अवे भी होने वाला, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो फर्स्टली तो कुछ इस तरह से हमें इसका बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में इसकी एक पिक्चर बनी हुई है। इसके अंदर हमें स्पेशल बायोनिक साउंड का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि डायरेक्ट वर्चुओ की तरफ से पावर्ड है। फुल टच कंट्रोल्स इसमें प्रेजेंट है और 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं। बैक साइड में देखते हैं तो इसके हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस देखने के लिए मिलती हैं, लाइक इसमें आपको ENS टेक्नोलॉजी वाला माइक यूज देखने के लिए मिलता है। IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस इसमें प्रेजेंट है और 30 आवर्स का इसमें आपको प्ले टाइम देखने के लिए मिलता है। इसे भी हम टेस्ट करेंगे और इस नीचे इसकी जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स हैं वो सभी लिखी हुई हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इसे एक बार ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी जो टच कंट्रोल की इंस्ट्रक्शंस हैं वो सभी देखने के लिए मिल जाती हैं। इसे हम साइड में रखते हैं तो हमें मेन नेक बैंड हमारा देखने के लिए मिलता है। ब्लैक कलर में वाला नेक बैंड मेरे पास अवेलेबल है, आप दूसरे कलर्स में भी इसे परचेज कर सकते हो। इसकी एक्सेसरीज की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसके कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। पेपर वर्क की बात की जाए सबसे पहले तो एक वारंटी कार्ड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। आफ्टर दैट बोट का एक कैटलॉग प्रेजेंट है एंड एक यूजर मैनुअल भी हमें इसमें देखने के लिए मिल जाएगी, बट आपको पढ़ने की नीड नहीं है अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो। एंड लास्टली एक टाइप सी चार्जिंग केबल हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती है। कुछ इस तरह से जो नेक बैंड है हमें देखने के लिए मिल जाता है। ईयरबड्स के अंदर हमें यहाँ पर काफी अच्छी मैट फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। एंड अगर मैं इसके मैग्नेट की बात करूं तो मैग्नेट इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी अच्छी क्वालिटी का हमें देखने के लिए मिलता है। ईयरबड्स के अंदर हमें थोड़ी सी एक्सटेंशन भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आपको एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करेगी कान। ईयरबड्स के अगर मैं ईयर टिप को निकालता हूं तो कुछ इस तरह से हमें इसका जो इनर मॉड्यूल है वो देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर हमें 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इसकी साउंड क्वालिटी को काफी इंप्रूव कर देते हैं। ईयरबड्स की क्वालिटी मुझे काफी सही लगी यहाँ पर, एंड फिजिकली भी काफी अच्छे बिल्ट है। इसमें आपको कोई भी फिजिकल बटन देखने के लिए नहीं मिलता पावर ऑन करने के लिए। जैसे आप इन्हें हटाओगे एक दूसरे से तो ये ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाएंगे, जो कि मुझे काफी अच्छा फीचर लगा। अब बात करते हैं इसके टच मॉड्यूल के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक लाइट ब्लिंक कर रही है। इसके ऊपर की प्लास्टिक कवरिंग को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ एंड कुछ इस तरह से हमें इसका जो टच मॉड्यूल है वो देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको दो मार्किंग्स देखने के लिए मिलती है इसके बीच में ही जो टच सेंसर है वो काम करेगा। एंड इसके टच सेंसर के काम करने के लिए आपको यहाँ पर एक रिंग भी देखने के लिए मिलती है, जो कि एक अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। इससे पहले अगर मैं दूसरे साइड की बात करूं तो यहाँ पर आपको सिंपली बोट का लोगो देखने के लिए मिलता है। पूरे नेकबैंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रबराइज ग्रिप हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर सारी मैट फिनिश हमें देखने के लिए मिलती है एंड यहाँ पर ग्लॉसी मटेरियल का यूज किया गया। वायर्स की बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ काफी स्ट्रॉन्ग वायर यहाँ पर प्रोवाइडेड है, इजीली यहाँ पर टूटने वाली नहीं है एंड इसे आप फोल्ड करके भी ले जा सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी भी इसकी काफी अच्छी है। इसके माइक्रोफोन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको इसका माइक्रोफोन देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो कॉल क्वालिटी है उसमें कोई भी इशूज नहीं आने वाले हैं, डिस्टॉर्शन काफी कम रहने वाली है। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे इसकी कॉल क्वालिटी डिसेंट लगी। इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक सी क्वालिटी आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। ब्लूटूथ 5.3 का इसमें यूज किया गया एंड इसके अंदर आपको IPX5 की वाटर रेजिस्टेंस भी देखने के लिए मिल जाती है। चार्जिंग के लिए इसमें आपको टाइप सी का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा एंड ये फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट करता है। 10 मिनट्स में 10 आवर्स वाली चार्जिंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। बैटरी बैकअप इसमें आपको कैसा देखने के लिए मिलता है वीडियो के एंड में हम वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इस नेकबैंड का है इसका टच कंट्रोल पैनल, इसके टच कंट्रोल्स। तो फटाफट से सबसे पहले मैं इसे अपने स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप इनके टच कंट्रोल्स हैं उन्हें यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपने स्मार्टफोन का ब्लूटूथ जो है उसे टर्न ऑन कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर ब्लूटूथ का टर्न ऑन करता हूँ, जैसे मैं इसे टच करूंगा ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट यहाँ पर आ जाएगी और इसे मुझे यहाँ पर पेयर कर देना। उसे पेयर करते ही रॉकर्स 255 टच यहाँ पर मेरी लिस्ट में आ चुका है। फर्दर इन्फो अगर हम देखें तो हाई क्वालिटी ऑडियो का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। SBC एंड AAC दोनों कोडेक का इसमें सपोर्ट प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से इस नेकबैंड की जो साउंड क्वालिटी है काफी इंप्रूव हो जाती है। तो अभी ये नेकबैंड कनेक्ट हो चुका है मेरे स्मार्टफोन के साथ में। अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इसके टच कंट्रोल्स को यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से मेरे पास अभी ये जो नेकबैंड है प्रेजेंट है। जैसे मैं इसको ऐसे डबल टैप करता हूँ उसी टाइम में जो वीडियो प्ले होनी शुरू हो जाती है। अगर मुझे इसे पॉज करना तो ऐसे डबल टैप दो बार करना होगा तो ये पॉज हो जाएगी। जैसे मैं इसे डबल टैप दोबारा करता हूँ इसी तरह से ये जो दोबारा प्ले होनी शुरू हो जाएगी। कुछ इस तरह से आप इसके प्ले एंड पॉज वाले फीचर को यूज कर सकते हो। अब मैं आपको इसके वॉल्यूम कंट्रोल वाले फीचर के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो अगर मैं इसे ऐसे राइट स्वाइप करता हूँ तो वॉल्यूम डिक्रीज होने लग जाती है। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर पीछे वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। अगर मुझे वॉल्यूम को इंक्रीज करना तो मुझे ऐसे लेफ्ट स्वाइप करना होगा। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से पीछे स्क्रीन पर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो कुछ इस तरह से वॉल्यूम यहाँ पर आप इंक्रीज कर सकते हो एंड डिक्रीज करना भी काफी ईजी है। एक बार दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं एक बार ऊपर स्वाइप करूंगा तो नेक्स्ट वीडियो प्ले होनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं ऐसे नीचे की तरफ इसे स्वाइप करता हूँ तो प्रीवियस सॉन्ग है जो प्रीवियस वीडियो है वो प्ले होनी शुरू हो चुकी है।
दोबारा आप देख सकते हो इस तरह से प्रीवियस वीडियो जो है प्ले होनी शुरू हो चुकी है। आप इस रिंग के ऊपर ऐसे दो बार टैप करके स्पेशल साउंड और बोट सिग्नेचर साउंड के बीच में ट्रांजिशन कर सकते हो। अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं तो स्पेशल साउंड में आपको काफी अच्छी एक साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। आप 3D ऑडियो या फिर जो 8D ऑडियो है उसको सुन के अगर आप देखोगे स्पेशल साउंड के अंदर तो आपको काफी अच्छी सुनाई देगी। अगर मैं इस रिंग को ऐसे 2 सेकंड तक टैप करके रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर गूगल असिस्टेंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस टच पैनल का यूज कर सकते हो। अगर आप टच पैनल पे ऐसे 3 बार टैप करोगे तो बीस्ट मोड एक्टिवेट हो जाएगा जिसके अंदर लेटेंसी 40 ms तक हो जाएगी जो कि काफी लो है। एंड जब भी आपको मल्टीप्लेयर गेम खेलोगे तब उसमें आपको काफी डिफरेंस जो है वो पता लगेगा। तो इस तरह से इसका पूरा टच कंट्रोल पैनल वर्क करता है। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो भी हम बात करते हैं स्नेक बैंड की साउंड क्वालिटी के बारे में। ट्रेवल इसमें काफी हद तक बैलेंस्ड है। ओवरऑल जो साउंड है इसका बैलेंस काफी अच्छा हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। बेस भी कभी ट्रेवल्स को ओवरपावर नहीं करता एंड इसमें आपको हर जो ऑडियो है वो क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती है। बैटरी की बात की जाए तो इसके अंदर आपको लगभग 10 से 12 घंटे तक का नॉनस्टॉप म्यूजिक प्लेबैक देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप इसे नॉर्मल यूज करते हो तो काफी लंबा चलेगा नेकबैंड आपका। अगर फास्ट चार्जिंग की बात करें तो 10 से 15 मिनट तक की चार्जिंग के अंदर आपको इसमें 7 से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाएगा जो कि इंडीड इमरजेंसी के लिए काफी अच्छा फीचर देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में कि क्या नेकबैंड आपको परचेज करना चाहिए या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस प्राइस रेंज में आपको नेकबैंड देखने के लिए मिल रहा है उसके लिए तो इसके फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। साउंड क्वालिटी वाइज नेकबैंड आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ आपको जिसमें टच पैनल देखने के लिए मिलता है वो काफी अच्छा यूएसपी है। वो काफी एक अच्छा फीचर है जिसके लिए आप जा सकते हो जो कि इस प्राइस के दूसरे नेकबैंड्स में हमें देखने के लिए नहीं मिलता। अगर आप इस नेकबैंड को परचेज करना चाहते हो तो इसका बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। सो अगर आपको इस गिवअवे में पार्टिसिपेट करना फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इंस्टाग्राम पर भी आपको मुझे फॉलो कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।